आगे बढ़ते हैं। विदेशों में इस्तेमाल हुए कपड़ों के बढ़ते इंपोर्ट ने गारमेंट सेक्टर की चिंताएं भी बढ़ा दी है। भारत में इस तरह के गारमेंट मंगाने की खुली छूट नहीं है, यानी इस्तेमाल किए गए कपड़े सिर्फ वही कंपनी इंपोर्ट कर सकती है जिसे सरकार ने लाइसेंस दिया है। लेकिन पिछले कुछ समय से गैर मान्यता प्राप्त कंपनियां भी इस्तेमाल कपड़ों का इम्पोर्ट कर रही है। देश के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के सामने एक नई मुश्किल आ गई है। एक तो वो पहले ही ग्लोबल डिमांड कम होने से परेशान थे और अब इस्तेमाल किए हुए कपड़ों का लगातार बढ़ता जा रहा इंपोर्ट उनकी परेशानियों में इजाफा कर रहा है। वो चीज इंपोर्ट हो जो इंडिया में नहीं बन रही तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर सेम चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, कॉटन यार्न हमारा चाइना जाता है और वहां से कॉटन गारमेंट्स अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंपैक्ट पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक हर महीने अमेरिका और यूरोपीय देशों से इस्तेमाल किए हुए कपड़ों के 90 कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचते हैं और अब केंद्र सरकार इस्तेमाल किए हुए कपड़ों के आयात के लिए 200 नए लाइसेंस जारी करने के बारे में विचार कर रही है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इस बात का सख्त विरोध कर रहे हैं। पॉलिटिकल रीजंस होंगे गवर्नमेंट के कोई, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है एकदम। और हम लोग ने भी हमारी जो और एसोसिएशंस है जो डोमेस्टिक में काम करती हैं उन्होंने बहुत स्ट्रांगली लिया है गवर्नमेंट से, और मेरे हिसाब से ये बंद होना चाहिए। एक तरफ जहां नए कपड़ों के आयात के लिए 15% टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, वहीं पुराने कपड़ों पर ये टैक्स बेहद मामूली है। इसी नियम का फायदा इंपोर्टर उठा रहे हैं। ऐसे में घरेलू कंपनियों को डर है कि अगर सरकार ने सही वक्त पर कदम नहीं उठाए तो सिर्फ साल भर में ही पुराने कपड़ों का इंपोर्ट दोगुना हो सकता है। अर्नब वसावड़ा, दिल्ली।